तो एक्स्ट्रा पार्ट टू वीडियो है ये, जिसमें हम लीनियर इक्वेशन का जो एक कॉन्सेप्ट था क्रेमर्स रूल की मदद से हम जो सॉल्व कर सकते थे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को, तो उसको देखते हैं। एक 3x3 का सिस्टम है आपका, A11, A22, A33, तो फिर बाकी भी ऐसे ही कर लेते हैं, A13, A23, A21, A31 एंड A32। ओके, अब इधर हमें पता है X1, X2, X3 अननोन हमने ले लिए या X मैट्रिक्स ले लिए, इधर हमारा B1, B2 एंड B3 है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं AX इक्वल टू B। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक तो आपका हो गया इनवर्स मैट्रिक्स इनवर्स मेथड, ठीक है। एक्स जो आपने जो आपको X1, X2, X3 निकालना है, तो A इनवर्स B कर लिया, या गॉसियन एलिमिनेशन मेथड हो गया, ठीक है। जो रैंक वाला मेथड था उसी का नाम है गॉसियन एलिमिनेशन मेथड, जिसमें आप रैंक को कंपेयर करते थे मैट्रिक्स और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की, ठीक है। रैंक वाला कॉन्सेप्ट हो गया गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। अब आपका जो मेन है नंबर 2, नंबर 3 बोल सकते हैं, क्रेमर्स रूल, ठीक है, क्रेमर्स रूल मेथड, तो उसको हम यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे सॉल्व करने के लिए सिस्टम ऑफ मैट्रिक्स को। तो अब बात करते हैं इसको फिर से लिख लेते हैं क्रेमर्स रूल। यहाँ पे हम निकालते हैं डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3। अब आप सोचेंगे ये डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2 क्या है, तो डेल्टा तो आपका सीधे सीधे हो गया इसका डिटर्मिनेंट, ठीक है, कुछ बोलना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। फिर आया डेल्टा 2, डेल्टा 3, और X1, X2 एंड X3 जो हैं उनको सॉल्व करने के लिए ही तो हमने ये निकाला है ना। X1 होगा आपका डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, सिमिलरली X3 होगा डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। अब हम देख लेते हैं कि डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 क्या है। तो उसको देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो जब बात आई 1 की, तो आपको पहले कॉलम में आपको चेंज करना है, जब बात आई 2 की आपको सेकंड कॉलम चेंज करना है, और थर्ड उसमें चेंज करके लाना क्या है, उसमें आपको चेंज करके लाना है बी, B1, B2, B3, बस इतना सा आपको याद रखना है। तो आपने B1, B2, B3 यहाँ पे लिख दिया, B1, B2, B3 आपने यहाँ पे लिख दिया, एंड डेल्टा 3 में आपने थर्ड कॉलम में B1, B2, B3 लिख दिया। क्यों? क्योंकि B1, B2, B3 की जो मैट्रिक्स है वो अपने आप में कॉलम है ना, तो आप कॉलम को चेंज करेंगे। डेल 1 में आप किसको फर्स्ट कॉलम को चेंज करेंगे, डेल 2 में आप सेकंड, डेल 3 में आप थर्ड कॉलम को। और फिर आपको क्या करना है, जब आपने ये 4 वैल्यूज निकाल ली हैं, आपको इसमें इसको पुट करना है इनमें, तो आपको X1, X2 एंड X3 यहीं से मिल जाएगा। अब इसको देखते हैं हम एक एग्जाम्पल के थ्रू। अब ये तो बात आई कि क्रेमर्स रूल में हम स्टार्ट कैसे करते हैं सॉल्व करना, ठीक है। हमने डेल निकाला, डेल 1, डेल 2, डेल 3 निकाले। अब हमको ये भी तो पता करना है ना कि कितने सॉल्यूशंस हैं, नो सॉल्यूशन है या फिर यूनिक सॉल्यूशन है या इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन है, 3 कैटेगरीज हैं, ठीक है। ये आपके दोनों कंसिस्टेंट है, ये आपका इनकंसिस्टेंट है। तो सबसे पहले हम डेल को देखेंगे, अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा। जैसे ही हमारा डिटर्मिनेंट जीरो आ गया, ठीक है, जैसे ही हमारा डिटर्मिनेंट जीरो आ गया, तो वहां पे या तो वो इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन होगा या फिर नो सॉल्यूशन होगा। तो ये कैटेगरी 1 है, ये कैटेगरी 2 है। तो पहले तो हमको इस तरीके से डिफ्रेंशिएट करना है। अब अगर डेल हमारा जीरो आ गया, फिर हम देखेंगे X1, X2, और ये हमारे नॉन जीरो होने चाहिए, वो नॉन जीरो होंगे तभी वैल्यू आएगी X2 और डेल 3 अपॉन डेल। तो हम तीनों वैल्यूज को निकाल लेंगे और हमारा एक सेट आएगा, X1, X2 और X3 का एक सेट आएगा जो कि यूनिक होगा, ठीक
ठीक है, यूनिक वाली जो बात थी वो आई कहाँ से, तो जो जो कि यूनिक होगा, ठीक है, तो हम यूनिक निकाल लेंगे। अब बात है इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन की, तो इसमें तो इतने सॉल्यूशन हम निकाल नहीं सकते, हम सिर्फ बता सकते हैं कि यहाँ पे इनफिनाइट सॉल्यूशन है। तो पहले तो डेल निकालेंगे तो हमारी दो कंडीशन होगी, फिर हम कंफर्म कैसे करेंगे कि इन्फिनाइटली वाला ही कंडीशन है, तो हमारे जो ऑल डेल आई होंगे सारे के सारे, वो जो हमारे वो भी होंगे जीरो, ठीक है, तो हर चीज जीरो आएगी इसमें। ये हमें ऐसे याद रखना है कि इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन में सब कुछ जीरो आएगा, ठीक है, डेल वन डेल टू डेल थ्री सब जीरो आएगा। अब बात करते हैं नो सॉल्यूशन की, नो सॉल्यूशन कब होगा, डेल तो जीरो आया, अब हमारा एटलीस्ट वन डेल आई शुड बी नॉन जीरो, ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट तो तभी होगा ना, डिफरेंशिएट तो दोनों के बीच में तभी हो पाएगा जब हमारा एटलीस्ट वन डेल आई नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है, तो हमारा नो सॉल्यूशन आ गया। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इनवर्स मेथड में हमारा डेल डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल नहीं था, क्योंकि हमको तो ए इनवर्स निकालना था ना, तो उसकी कंडीशन ही यही थी कि जीरो नहीं हो सकता है। नंबर टू, ठीक है, दूसरा क्या है, क्रेमर रूल में हमको एन प्लस वन टाइम्स डिटर्मिनेंट फाइंड करने पड़ते हैं एन इक्वेशंस के लिए, ठीक है, या एन ऑर्डर के लिए, हमारा ऑर्डर थ्री है, ठीक है, और हमको डेल कितने निकालने हैं, डेल निकालना है, फिर डेल वन डेल टू एंड डेल थ्री, तो एन प्लस वन निकालने हैं, तो ये एक डिसएडवांटेजेस है। प्लस यहाँ पे जो हमारा एम और एन है, मतलब एम क्या है, नंबर ऑफ अननोन, और एन क्या है, इक्वेशन, नंबर ऑफ इक्वेशन, दोनों बराबर ही हैं, तो वो चीज़ वहाँ पे नहीं होती थी, इनवर्स मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं होती थी। ये तो कुछ डिसएडवांटेजेज हो गए जो कि थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट है, उस पर इतना ध्यान नहीं देना है। हाँ, ये हमको अच्छे से याद रखना है कि यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब डेल हमारा नॉन नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है, तो पहले ही हमारा डिफ्रेंशिएट हो गया, अगर नॉट इक्वल टू जीरो आ गया तो यूनिक है, वरना हमारे दो केसेस बचे, यूनिक होगा तो फिर हम सारे वैल्यूज निकाल लेंगे इन मेथड से, इन वैल्यू से, डेल वन क्या है, डेल टू डेल थ्री वो आपको बता दिया है, तो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री का एक सेट आएगा जो कि यूनिक होगा, अगर डेल जीरो है तो फिर हम डेल वन डेल टू डेल थ्री सब कुछ देखेंगे, अगर सबके सब जीरो हैं, सबके सब जीरो हैं, तो हमारा इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, एंड एटलीस्ट वन नॉन जीरो आ गया तो हमारा नो सॉल्यूशन होगा। अब हम एक एग्जाम्पल से देखेंगे इसी को। ओके, तो बहुत सिंपल है, हमारा जो मैट्रिक्स है वन 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 थ्री टू वन माइनस वन वन, तो ये हमारी ए मैट्रिक्स है, इधर तो हमारा एक्स होगा और इधर हमारी बी मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले तो हमको निकालना है डेल, जो कि हमने निकाला, तो वन ये तो आपका हो गया जीरो, तो थ्री प्लस सॉरी 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 सॉरी, ये आपका जो टर्म था ये हो गई गलती, ये है आपका सिर्फ जेड, मैं उसको थ्री मिसअंडरस्टैंड कर लिया, तो ये आपका चेंज हो जाएगा हिसाब। ओके, ये आपका वन है, ठीक है, तो थ्री माइनस थ्री, जस्ट एक मिनट, मैंने और आपका ले लिया, तो हाँ वन वन माइनस वन प्लस टू माइनस वन, टू माइनस टू तो ये जीरो, प्लस वन और माइनस टू माइनस वन, तो ये आपका आ गया जीरो, तो ये जीरो आ गया, तो ये नॉट इक्वल टू जीरो होता तो आपका यूनिक वाली बात रहती, तो वो तो आपकी कट हो गई, तो आपका यूनिक कट हो गया, ठीक है, ये मैंने ऑप्शन शॉर्ट में लिख दिए हैं, ठीक है, कि वन वहाँ पे तो एक्स वन इजक्वल टू वन ऐसे करके था, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, ओनली टू सॉल्यूशन वाली तो बात ही नहीं होती है, ठीक है। अब बात आई ये, अब हमें निकालना है डेल वन डेल टू और डेल थ्री,
अगर सब कुछ जीरो आ गया तो आपका इन्फिनाइट होगा, और अगर एटलीस्ट वन नॉन जीरो आया तो आपका योग। अब इन दोनों में से हमको देखना है, तो हमने डेल वन निकाला। डेल वन निकालने के लिए क्या करना है, हमको पहले में ये रख देना है 4 5 1, फिर तो ये 1 1 माइनस 1 1 2 1। तो हमने सॉल्व किया, ठीक है, ये आपका हो गया 12 माइनस 3 माइनस 6। यहां हम ऐसा करते हैं कि रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा देते हैं, ठीक है। तो हम R2 से R3 को अगर माइनस करें तो हमारा क्या आएगा, 4 1 1 5 माइनस 1 4 1 माइनस 1 प्लस, ये आपका आ गया 2। ये गलती हो रही थी, ये आपका 2 है, ये गलती से यहाँ पे, क्योंकि ये 0 था तो ये फर्क किया नहीं, तो ये आपका 2 था, ठीक है। हाँ ये 2 था आपका, और 2 माइनस 1 1, ठीक है, तो 1 माइनस 1 1। अब ये दो तो आपको दिखेगा होगा ये डिपेंडेंट है, ठीक है, तो आपका क्या आ गया 0, तो आपका डेल 1 हो गया 0। ऐसे ही आप डेल 2 निकाल लेंगे और डेल 3, सब कुछ 0 आ रहा है सॉल्व करने के बाद, तो हमारा आंसर है इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे ये लेक्चर क्रेमर्स रूल का और एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ लीनियर एल्जेब्रा या मैट्रिक्स खत्म होता है, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।